भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत में अलग अलग रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो योगदान दिया, भले ही उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें वह सम्मान तत्कालीन सरकारें न दे पाई हो, लेकिन 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए भारत के नागरिक उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, इस दृष्टि से 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करना प्रारंभ किया। इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी, इस एकता दौड़ के माध्यम से पूरे देश के नागरिक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा भूल करके एक साथ राष्ट्रीय एकता के प्रति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस एकता दौड़ में शामिल होते हैं। और आज ये विधान भवन से लेकर के केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक की एकता दौड़ भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाने के लिए हम सबके दृढ़ प्रतिज्ञ का हिस्सा बन सके, इस दृष्टि से हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय रक्षा मंत्री जी, जो स्वयं लखनऊ के लोकप्रिय सांसद जी सांसद भी हैं, वे स्वयं यहां पर इस एकता दौड़ में शामिल होने के लिए आए हैं। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन और आप सबकी ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, यह राष्ट्रीय एकता दौड़ हम सबको पूरे देश के अंदर किसी भी प्रकार के वाद से ऊपर उठ करके अपने राष्ट्र नेशन फर्स्ट की जो प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान है उसके प्रति समर्पण का भाव पैदा करने का एक नया भाव पैदा कर सके, इस विश्वास के साथ मैं HAL को। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाई IAO एंड एफिलियेटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।